माई ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द ममा कादो शो। वैसे तो मैं अपने शो के इंट्रोडक्शन में हमेशा कहती हूँ दैट टुडेज एपिसोड इज स्पेशल बिकॉज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, हाउ स्पेशल दैट पर्सन इज, बट आज का एपिसोड मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उनके लिए जिनकी वजह से आज मेरा वजूद और मेरा अस्तित्व है। अगर वो ना होती तो शायद मैं ना होती और ये शायद शो और ये कॉन्वर्सेशन ना हो पाती। इट इज़ नन अदर देन माई ब्यूटिफुल, स्ट्रांग, करेजियस माई मदर। मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, जब से मैंने बोला था कि मेरे शो पे आना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बार बार आप पूछे थे क्या शेयर करना है, क्या शेयर करना है। तो मैं आज जो जो पूछूंगी वो आपको सब बताना है, क्योंकि जब से आपको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से हमारी बहुत सारी क्या बोलते हैं आपके खुद की यादों के पिटारे खुले। आपने बहुत कुछ चीज़ें बताई जो हमको इतने सालों में नहीं बताई थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से लोगों को ये पता चले कि आपके वक्त की प्रेगनेंसी और आपकी प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा अलग थी। मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज़ फिल्ड विद स्ट्रगल्स। आज के टाइम में हमको इतनी सुविधाएँ मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, महिलाएँ हैं जिन्हें उतनी फैसिलिटीज शायद ना मिले, पर जब आपकी कहानी सुनी तो मुझे ये लगा कि यार अगर आप कर सकते तो हमारे लिए तो मतलब इट शुड बी लाइक अ केक वॉक, वाई शुड वी कंप्लेन। तो आज तक जो किसी ने बताया नहीं है वो आपकी मुँह जुबानी आज सुनेंगे। तो बताओ क्या शेयर करना चाहते हो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो व्हाट आई एम गोइंग एंड हाउ आई एम डूइंग। नहीं देखो, वैसे तो मतलब जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। परिवर्तन तो जिंदगी में लाजमी है, तभी जिंदगी आगे चलेगी। चेंज बहुत सारे हैं, क्योंकि जो जब मैं अपना टाइम याद करती हूँ कि जब मेरा किस एज में आप प्रेगनेंट हुए थे। मैं हुई थी मतलब 18 इयर्स की, पूरी हुई थी 18 साल में। माय मदर कंसीव्ड मी व्हेन शी वाज 18 इयर्स ऑफ हर एज। ओके, तो उस टाइम का टाइम ऐसा होता था कि मतलब हम लोग सिर्फ अपने मतलब जो पार्टनर है सिर्फ उनको ही हम शेयर कर पाते थे ये चीज़। हम अपने बुजुर्गों को नहीं, हम किसी को नहीं, क्योंकि मतलब हमारी परवरिश इस ढंग से की होती थी कि मतलब ऐसे लगता था कि इसमें मतलब बहुत तो जॉइंट फैमिली में भी रहते थे। जॉइंट फैमिली 21-22 लोग रहते थे हम फैमिली में इकट्ठे, क्योंकि मैं गाँव में रहती थी, आपके पापा शिमला में जॉब करते थे। तो उस टाइम ना इतनी सुविधाएं होती थी कि टेलीफोनिकली हम बात कर सके या कुछ कर सके, कुछ भी पता नहीं होता था। आज भी मेरे को पूरी तरह से याद है कि जब मेरे को सातवा मतलब मंथ चला था, सेवंथ मंथ जब था मेरा, तो हम खेतों में काम कर रहे थे। तो रात को जब मैं घर आती हूँ, खेतों में क्या काम करते थे पहले ये बताओ। हम खेतों में मतलब जैसे आलू वगैरह लगते थे हमारे, तो उसकी गुड़ाई निंदाई करनी पड़ती थी बैठ के। तो मतलब बहुत दूर होते थे खेत भी, ऐसे नहीं था कि पास में खेत होते थे। तो एक डेढ़ घंटा पैदल जाना चढ़ाई चढ़ के आना फिर घर आना। तो जब मैं घर आती थी तो घर में आपके पापा तो नहीं होते थे। और ये पूरी प्रेगनेंसी में ये काम किया आपने? हाँ, पूरा मतलब पूरा काम करते थे हम ऐसे ना। तो मैं घर आई, मेरे को मतलब टांग दर्द हो रही थी, अब मैं किसको बताऊं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास जी को बोला, आपकी दादी को बोला कि मेरे को ना टांग दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो दो तीन दिन तो वैसे ही लाइटली ले लिया उन्होंने भी कि होगी दर्द। फिर बाद में बोला उन्होंने, दादी को भी नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हो, किसी को तो दिखा कैसे? नहीं होता था, क्योंकि अब एक तो हमारी ये जैकेट होते पहने हुए और एक मतलब मैं भी बहुत पतली जैसी होती थी तो उतना पता नहीं लगता पतले हो पता नहीं लगता था कि मतलब क्या है। तो जब मैंने दादी को बोला, फिर दादी ने दो तीन दिन के बाद, वहाँ गाँव में एक बुजुर्ग लेडी होती थी मतलब वो वैसे ही देखती थी कि दाई माँ जैसी, फिर वो बोले कि दादी के लिए बोले आपकी दादी को कि क्या कहते इनके तो कहते बच्चा है होने को। दादी परेशान, दादी बच्चा होने को कहते हाँ कहते इनको तो मतलब 7-8 महीने का बच्चा है भाई इनके पेट में ना। तब जाके दादी को पता लगा कि अच्छा, खैर मेरे को तो था पता कि भाई मेरे है, पर शर्म इतनी होती थी कि मैं किसी को नहीं शेयर कर पाती थी। तो आपके 20-21 लोगों को किसी को नहीं बताया नहीं था, किसी को सिर्फ पापा को एक बार शिमला में बताया होगा कि जब मतलब जैसे जब मैं शिमला आई तब कि भाई ऐसा ऐसा, बाकी क्योंकि उस टाइम फोन की सुविधा नहीं होती थी। अब जैसे मैं और दादी घर में होते थे अकेले से, तो दादी ने अपने काम से निकलना, मैं घर में होती थी, मेरे को कभी रोटी बनानी है कभी कुछ, तो तबीयत खराब हो रही है बाहर निकल गई अपनी उल्टी करके वापस आ गई, मतलब किसी को पता नहीं चला, कानो कानी नहीं खबर हुई, कुछ पता नहीं लगता था कि भाई क्या हो रहा है। तो जब अब मैं देखती हूँ ना
कि भाई आज का टाइम कितना बदल चुका है, मतलब अब तो अच्छा है कहीं ना कहीं, मतलब एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है, अगर लोग एजुकेटेड है मतलब आज के जो पार्टनर होते हैं वो इतने वो होते हैं तो मतलब इस चीज़ को कितने मतलब खुशी के साथ। पर मेरे को आप ये बताओ, तो जब 7 महीने तक किसी को पता नहीं चला तो आपने मेडिकल चेकअप, डॉक्टर के पास दिखाना, किसी को पता नहीं था, होता था कुछ भी नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो आपने अपनी बहनों को या फिर अपने मम्मी पापा को खबर ही नहीं पहुंचाई? किसी को कोई पता ही नहीं था, मैं बता रही हूँ ना, 7-8 महीने तक किसी को कोई पता नहीं था, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर में या मतलब उधर मेरी बहनों के पास, तब पता लगा जब मतलब 7-8 महीने के बाद जब हम जाते हैं मतलब अपने मम्मी के घर जाते हैं, तब जाके जब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, तब पता लगा कि अच्छा क्यों, मतलब उस टाइम इस चीज को बहुत लाइटली लिया जाता था, आज के टाइम में तो बच्चे बच्चे ठीक है हो रहे हैं तो सब हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हाँ, तो मतलब कोई मतलब ऐसा स्पेशल ये कि अब प्रेग्नेंट है तो एक कोई खाने का एक वो बनेगा, डाइट चार्ट बनेगा, स्केड्यूल, तो आपने खुद ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब अब मेरे को, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो शायद अब मुझे काम नहीं करना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा सा काम नहीं करना चाहिए, मतलब क्या क्या, क्या काम किया? अच्छा पहले 7 महीने क्या क्या काम किया आपने? सब कुछ काम, फिजिकल होता था, खेती बाड़ी का पूरा काम करती थी मैं, मतलब खुदाई से लेकर, मतलब जैसे हमारे बाग बगीचे है तो उसमें वो बनते हैं तौलिए कहते हैं, वो करना है जो सेब के इर्द गिर्द वो बनता है, तो वो खुद बैठकर खुद वो, तो कभी डिस्कम्फर्ट नहीं होता था? होता था ना, चुपचाप से सहन कर लेते थे, मतलब बता नहीं पाते थे, मतलब चुपचाप से दर्द लग रही है ठीक है सहन कर लो कोई बात नहीं है, तो मतलब किसी को नहीं बताया कि भाई क्या है कैसे है। तो सपोर्ट सिस्टम तो, मतलब ऐसा क्या सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि, या फिर अवेयरनेस नहीं थी कि किसी को बताकर थोड़ा आराम या थोड़ी हेल्प ले लें? देखो अगर मैं अपने एंड पे बताती हूँ तो देखो मुझे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, अच्छा, क्योंकि मतलब बचपना था और मतलब मेरे दिमाग में तो ये था कि अच्छा मैंने कंसीव किया ना तो अभी ये तो मतलब बहुत शर्म की बात है, मैं किसी से कैसे शेयर करूं कि भाई ऐसा है मेरे एंड पे, बाकी पता नहीं पर सब शर्म किस बात की थी, मतलब ऐसे लगता था ना यार लोग बोलेंगे अब इसके बच्चा होने वाला है, अरे बाकी तो रहने दो, जब क्या कहते हैं जब आपका जन्म हुआ ना तो आपके पापा 14 या 15 दिन बाद घर आए थे, पैदा होने के 15 दिन के बाद आए पापा घर आए, तो खबर कैसे पहुंची? सुन मतलब ऐसे बताते थे जैसे कोई बस में आ जा रहा है गांव से आदमी आ रहा है शिमला कोई आ रहा है तो उसके पास बताते थे कि भाई ऐसे से मतलब तेरी बीबी की डिलीवरी हुई और बेटी हुई है, तो मतलब 3-4 दिन के बाद जैसे पता लगा, फिर जॉब में होते थे फिर छुट्टियां वगैरह मैनेज करनी उस तरह से फिर घर आए, तो जब वो घर आए तो मतलब एक हंसने वाली बात को या क्या, मतलब जिस कमरे में गांव में तो बड़ा वो रहता ना कि जहाँ पे मतलब डिलीवरी वाली औरत होती है उस कमरे में जेंट्स को नहीं जाने देते थे, अच्छा? कि भाई जेंट्स नहीं जाएगा उस कमरे में, पर कब तक? जैसे 21 दिन या 17-18 दिन जब तक मतलब वो चूल्हा चौका नहीं कर लेती थी औरत, मतलब रोटी वगैरह नहीं बनाती हाँ, तब तक मतलब जेंट्स नहीं जाते, तो फिर एक वो अलग से कमरा वो मुझे याद है वो जो घर के नीचे एक छोटा जैसा वो मांजो बोलते हैं हमारे अपने पहाड़ी डायलेक्ट में, तो पापा ने ऐसे दरवाजे से अंदर झांक के देखा और वहीं से हेलो हाय करके बाहर, मैं शक्ल भी देखी मेरी अंदर ही नहीं आए, फिर मैंने जब मतलब काफी दिन हो गए जब उसके बाद वो वापस जब शिमला आए ना तो जब दोबारा वो घर आते हैं तो मैंने बोला, मैंने कहा आपको नहीं लगा कि भाई आप 14-15 दिन बाद आए हैं तो मैं अपनी बीबी से मिलूं? अपने कहते कैसे मिलता, मेरे को तो शर्म आ रही थी, बाहर सारे बुजुर्ग बैठे थे तो मतलब ये हमारी स्टोरी होती थी जो आज मैं ये यहाँ पढ़ रही थी ना, मैं किसी ने बताया नहीं तो मैं मतलब मैं अंदर ही अंदर मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि जो चीज आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई थी कि ऐसा भी होता, आज उसका माध्यम मेरी बेटी है, मेरी बेटी मतलब अपने इस शो के द्वारा मतलब हर औरत को, खैर आज के मतलब आज के जमाने में तो इतनी जरूरत तो नहीं है हाँ, इतनी मतलब वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो सबको पहले से भी है। जब हमने दादी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बोला था, दादी ने बोला था किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, बिल्कुल अपने अपना प्रोटेक्ट करके अपने बिल्कुल अपने साथ ही रखना उस चीज को। दादी ने तो इतना तक मना कर दिया था कि मतलब कोई जरूरत नहीं है, फैमिली को पता चल जाएगा जिस दिन डिलीवरी हो जाएगी। मुझे वो वाली कहानी बताओ आप जो आपने मेरे को सुनाई थी, जिस दिन मैं पैदा हुई, जन्म के टाइम जिस दिन मैं पैदा हुई हूँ। ये तो रहस्य के ऊपर रहस्य ना, कि जब मतलब आप को कंसीव किया था उस टाइम भी किसी को पता नहीं था। आप बोलते ना कि भाई आप काम करते थे, काम तो हमने लास्ट डे तक काम किया है, मतलब जिस दिन पैदा लेबर पेन उस दिन भी मतलब
क्या हुआ कि मतलब जैसे हमारे तो गांव में मतलब जैसे पशु वगैरह होते हैं तो पशु के लिए घास लाना पड़ता था, दूर दूर से उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी, छह भैंसे होती थी, गाय होती थी, तो मतलब बहुत दूर से घास लाते थे। पहले आप खेतों में काम करते थे, पहले सारी सब्जियां उगानी, फिर उसके बाद रात को घास काटना, शाम को, हां सुबह शाम जब भी टाइम लगता था ना मतलब घास वगैरह घास काट के फिर लेकर आना। मेरे को लेबर पेन शुरू हुई थी पर मेरे को नहीं था पता कि लेबर पेन कैसी होती है। मैंने सोचा पता नहीं ऐसी अभी दर्द लग रही होगी, क्या पता होगा। तो मतलब मैं ना डेली घास लेने जाती थी जंगल को, तो मतलब आपकी दादी और गांव की जो औरतें होती थी ना वो सुबह निकल जाती थी जंगल के लिए, तो मेरे को बोलते थे कि दिन में पशु को चारा वगैरह डाल के पशु को पानी पूनी पिला के फिर दिन के टाइम में जंगल आना है, तो फिर मैं दिन के टाइम जाती थी। पैदल चल के जाती थी? बहुत दूर होता था वो, आपको भी लेके गई थी मेरे ख्याल से कितना 5-6 किलोमीटर तो था ही, जो पैदल 5-6 किलोमीटर जाना, बोझा लाना, हाँ चढ़ाई चढ़ के जाना और घर को बोझा लाना है मतलब ऐसे। उस दिन शाम के टाइम मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को दर्द हो रही थी ज्यादा ज्यादा, तो मैं नहीं गई मतलब वो। और आपको पता नहीं चला कि लेबर पेन ऐसी, हाँ कि पता नहीं, मैंने कहा ऐसे क्योंकि सुना हुआ था कि भाई लगती है 2-3 दिन पहले से, तो बतानी नहीं पड़ती है दर्द किसी को, कि भाई अगर बता दी दर्द तो फिर और ज्यादा टाइम लेती है मतलब दर्द डिलीवरी, हाँ डिलीवरी और ज्यादा टाइम लेती है, जो मतलब हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, तो मैं चुपचाप से सहन कर रही। फिर मतलब उस दिन मैं जंगल में नहीं गई घास लेने, तो जैसे ही आपकी दादी घर आते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि आप जंगल क्यों नहीं आए, हम इंतजार कर रहे थे भाई, आप घास ले घास नहीं, हाँ घास लाना था आपने नहीं लाया। फिर मैंने तो दादी को तो तब तक पता चल चुका था ना कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ये तो दादी ने ये नहीं बोला आराम कर, नहीं 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 दादी ने काम करो अभी होता ही नहीं था, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि आराम करना, तभी बोली। फिर शाम के जैसे टाइम जब दादी आते कि क्यों नहीं जंगल आई, मैंने बोला मैंने कहा बस मैं काम में बिजी हो गई थी। तो उस दिन बाय चांस जो मेरे फादर थे मतलब आपके नानू, वो हमारे घर पहुंचे थे, दादी को लगा कि ये तब ही नहीं आई, कि भाई इसके पापा आए तो शायद ये तब नहीं आई होगी, इनके साथ बिजी हो गई होगी, तो मैंने भी सोचा चल अच्छा हो गया। तो फिर दादी बोलते खाना बना लो इसके लिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने खाना वाना बनाया, हमने और दर्द अभी तक चली, दर्दें लगी हुई थी, और बीच बीच में उस टाइम हमारा वो नए मकान का किचन बन रहा था, मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ चूल्हे के ऊपर, जब मेरे को दर्द लग रही है उठ के मैं उसमें जा रही हूँ किचन में, और वहाँ दर्द सहन करके फिर दोबारा आ रही हूँ वापस, और दादी वगैरह बैठे हैं बरंडे में, ऐसे होता ना छुपा के लगेगा पता, जबकि भाई लेबर पेन कैसी होती है, लेबर पेन ऐसी नहीं है कि एक बार शुरू होगी लगी रहेगी, लेबर पेन ऐसी होती है जब एक बार लगेगी थोड़ी देर के लिए आपको बहुत दर्द होती है, फिर उसके बाद वो दर्द ठीक होके फिर आपको 10-15 मिनट अलग से कमरे में ताकि पता ना चले, और फिर उसके बाद आके फिर रोटियां बनानी है ऐसे करके। फिर सुबह के 3-4 बजे जब मेरे को मतलब इतनी शूटिंग पेन शुरू हो रही है, तब मेरे को पता लग रहा कि अब मेरे पापा को भी कोई वो मैसेज क्या बोलती पहुंचाया नहीं, पापा शिमला में थे, फोन कुछ सुविधा नहीं होती थी, क्या मैसेज पहुंचाती। 4 बजे जब मेरे को लगा कि अब तो मेरी डिलीवरी हो जानी है, फिर मैं दादी के, हाँ फिर मैं दादी के कमरे में गई जोर जोर से, मैंने बोला मेरे को ना टॉर्च चाहिए, कहते क्यों, मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, तो फ्लैश वगैरह की सुविधाएं नहीं होती थी गांव में, तो मैंने कहा मुझे जाना। फिर दादी उठी, फिर दादी मेरे को पूछते कहती तू ठीक तो है, कहीं तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने बोला प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह से लेकर मेरे को इतने बुरे हाल हो रहे हैं मेरे, मैंने कहा आपको पता ही नहीं लग रहा, मैंने कहा मेरे को। फिर दादी बोले कहते अब तो ना हमारे को दूसरे गांव जाना है, यहाँ डिलीवरी नहीं करनी है, क्यों बड़े घर में, हाँ बड़े घर में वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता था पहले बोलते थे कि डिलीवरी उस घर में होनी चाहिए जो घर मतलब देवी देवताओं के पूजन वगैरह किया होता ना जिस घर में। जस्ट टू क्लैरिफाई, एक्चुअली जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारा बड़ा घर जहाँ पर वो 20-21 लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर सभी यू नो देवी देवताओं के फंक्शंस वगैरह होते थे, क्योंकि वो हमारा एंसेस्ट्रल घर है, और जहाँ पर मम्मी मेरी दादी और दादाजी के साथ रहते थे वो हमारा वो कहते हैं ना एक छोटा सा फार्म हाउस अलग से, ताकि ज़मीन और जगह की देख रेख की जा सके। तो ये एंसेस्ट्रल हाउस में और जो ये फार्म हाउस था उसमें आधे घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस था, कि भाई पहला बच्चा पैदा हो रहा है तो मतलब यहाँ नहीं होगा, फार्म हाउस में होगा, ये जहाँ हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं उनकी देखरेख में होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं जाना था क्योंकि हमको गांव क्रॉस करके जाना था, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो गांव वालों को पता लगेगा कि क्यों जा रहे हैं, और ऐसे तो पता ही था सबको कि अभी इसके और गांव वालों को पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो चुपते चुपाते कैसे जाएंगे। दादी बोले कहते ऐसे करते हम दराटी और रस्सी लेके ना, ताकि गांव वालों को भी पता लगे कि ये जैसे डेली रूटीन में घास के लिए जाते हैं तो घास के लिए जा रहे हैं। 3 घंटे लगे, मतलब आधे घंटे का रास्ता था, 3 घंटे क्योंकि
तो मैंने 10 कदम नहीं टिकाने तब तक दर्द होनी, फिर मैंने लेट जाना रास्ते में फिर ऐसे ऐसे करके मतलब 3 घंटे लगे थे। हम 5 बजे निकले थे, 8 बजे हम वहाँ पहुंचे। तो दादी बोलते जाते ही मत बता देना इनको कि मेरे को मतलब लेबर पेन लगी है। अच्छा, मतलब किसी को उस टाइम नहीं बताना, नहीं बताना। हाँ, किसी को दर्द लगी है, पर सह रहे थे। दादी को भी बेचारे को ये था ना कि भाई अब मेरे को घर वाले बोलेंगे कि आज से पहले क्यों नहीं भेजा, अब जब दर्द लग गया तो लेके आई है। मतलब यहाँ पे कहते मत बताना, ये बोलना कि हम घास के लिए जा रहे हैं। उसमें जहाँ आपका जन्म हुआ ना, तो मैं थोड़ी देर तो ऊपर रही किचन में सबके साथ, फिर उसके बाद मैं उस कमरे में चली गई। मैं वहाँ रही, मैंने कहा रहने दो मेरे को, नहीं करना बाहर, क्योंकि फिर तो मेरे बहुत बुरे हाल हो गए थे। तब उन्होंने जो सबसे बड़े दादी थे, फिर उन्होंने बोला कि बेटा क्यों है आज चुप चुप आप ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर मैंने बोला हाँ मेरे को ऐसे ऐसे दर्द लगी है। तो आप देखो मतलब फर्स्ट डे सुबह से मेरे को दर्द लगी है, पहले 8 बजे पहुंचे आप हमारे एंसेस्ट्रल घर, मतलब दूसरे दिन सेकंड डे मैं वहाँ पहुंची। तो फिर दूसरे दिन भी 4-5 बजे तक मैंने वैसे शाम हो गई है, 4-5 बजे तब मैंने उनको बोला दादी को। फिर दादी ने दादू को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मतलब इनको प्रॉब्लम है। तो फिर सब ऐसे रहे कि चलो हो जाएगी डिलीवरी अपने टाइम में ना, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये कल से लेकर जूझ रही है। उन्होंने सोचा आज ही दर्द हो रही होगी। 5 बज गए थे तो मतलब फिर बहुत ही बहुत बुरे हाल, जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंटली लेबर पेन शुरू हो गया। मतलब तो फिर तब दादा ने बोला कि भाई अब किसी डॉक्टर को लाना पड़ेगा, इनकी तो शक्ल ही चेंज हो गई, कहते ऐसे ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मतलब डॉक्टर कहाँ से लाना था, चौपाल से, जो कि घर से कितना 7-8 किलोमीटर दूर था और पैदल जाना था। फिर उन्होंने वहाँ से मतलब डॉक्टर को लाया। डॉक्टर कौन थे, मेरे ही भाभी जी। वो बेचारे खुद से मतलब ऐसे डरे हुए बोले, मैं तो पूरे रास्ते ये प्रे कर रही थी कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उसकी डिलीवरी हो जाए, नहीं तो मैं उसको कैसे देखूंगी पैन में ना भाई। पर हुआ भी ऐसे ही, जैसे वो घर के बाहर पहुँचते हैं शाम को 7:30 बजे, जैसे वो बाहर पहुँचते हैं मतलब तेरा वो भी हो जाए डिलीवरी। हाँ तो मतलब आपकी डिलीवरी हो गई, मैं पैदा हो गई। मतलब थोड़ी देर मतलब जैसे वो, तो मतलब किसी के असिस्टेंस थी नहीं, डिलीवरी नेचुरल थी कि नहीं, नेचुरल डिलीवरी हुई। मतलब तो किसी वो ने नहीं बोला कि पुश करना पड़ता है, किसी ने नहीं बोला कि मैं और दादी थे, बड़े दादी हम उसमें थे जहाँ मेरी डिलीवरी है। तो अच्छा उस दिन का जो तो असली सीन था वो जो वो गोबर का किल्टा गिरा था अपने ऊपर ना, और वो बच्चा फोल्ड हो गया था मतलब अंदर, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था। तो वहाँ मतलब जैसे मैं गोबर ले जा रही थी किल्टा खेत के लिए ना, जैसे मैंने गोबर का किल्टा ये उठाया ना, हाँ, जिसमें सब गोबर वगैरह गाय का लेकर जाते हैं, जैसे मैंने वो उठाया ना और मेरे को दर्द हुई तो ऐसे झुक गई मैं और वो किल्टा गिर गया गोबर का मेरे ऊपर। 15-20 किलो तो होता ही होगा क्योंकि गीला गोबर होता था ना। 9 months the day I am being conceived she's walking with a 15 kgs of तो फिर जैसे वो मेरे ऊपर गिरता ना ऐसे करके ना वो किल्टा, तो उससे क्या हुआ था कि मतलब जैसे बच्चे की पोजीशन होती है मतलब सर होना था जैसे ना, तो वो सारा फोल्ड हो गया। वो कैसा हो गया कि यूं करके मतलब आपके पहले हिप्स निकले। इन शॉर्ट में ये है कि मतलब आज के टाइम और उस टाइम में एक्चुअली ये शो अगर उस टाइम बनता तो मतलब लोगों में आज कितनी अवेयरनेस होती। आपने सोलो ही मुझे डिलीवर किया, कोई था नहीं साथ में। पर मतलब मेरे साथ रूम में हम 2 लोग रूम में थे जब मतलब आपकी जन्म हुआ, जब मेरा डिलीवरी हुआ। तो फिर आपको एग्जैक्टली किसने वो किसी ने नहीं, ऊपर वाले ने जब मतलब जब पैदा हुई ना, तो फिर वो बोले बेचारे दादी ना कि अब मैं क्या करूँ, कैसे बच्चे को छूं। अब गांव के लोग होते, गांव के लोगों के हाथ फटे हुए काम करते हुए ऐसे ना, कहते मैं कैसे छूं लूं इसको, और मेरे को दिखता नहीं है मैं कैसे इसकी कॉर्ड को कर लूं मतलब काट लूं क्या। मैंने बोला कुछ नहीं है, आप मेरे को दे दो ब्लेड वगैरह जो भी है, मैं खुद काट लूंगी। मैंने कहा कोई अम्बिलिकल कॉर्ड आपने खुद काटा है? मैंने खुद, वो तो 3 बच्चों के काटे। वो जब पहली बार मैं दिखी थी, मैं कैसी दिख रही थी मैं जब पहली बार थी? वो था ऐसा हुआ था ना कि जैसे मैंने कहा ना कि वो जैसे मैं गोबर का किल्टा उठा रही थी तो उल्टा हो गया था बेबी सारा ना, तो वो मतलब जैसे पहले हिप्स दिख रहे होंगे जब मतलब दादी देख रही होगी ना, तो दादी को लगा सर तो है ही नहीं ये। दादी बोले ये तो बच्चा ही नहीं है, ये तो मतलब हमारी पहाड़ी डायलेक्ट में बोलते हैं कि एक बिंडा भी पैदा होता है। तो कहती ये तो वो है कि मतलब बिंडा मीन्स की मांस का, सिर्फ मांस ही मांस है, इसको अंग प्राण नहीं है, इसकी टांग बाजू सर कुछ नहीं है। तो दादी बोले ये तो वो है। और जब भी लगा आपको, हाँ जब मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी ना कि मतलब मेरे को कहते चक्कर आ रहे थे बीच बीच में ऐसे ना कि भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी,
फिर दादी बोले कहते मर नहीं दे ऐसे करती हूँ, कहते ये तो है नहीं है बच्चा, तो है नहीं, इसको ना काट के निकाल देती हूँ। दादी बोले, मैंने बोला छूना नहीं आपने, मैंने कहा चाहे जो भी होगा जैसा भी होगा, है तो मेरा ना, इसको होने दो, मैंने कहा जैसा भी होगा। दादी बोले अब इतना टाइम हो गया, कहते इतना टाइम नहीं लगता है, तो कहते ऐसे करती हूँ मैं। मैंने बोला नहीं नहीं रहने दो, जो भी होगा ना है तो मेरा ही, इसको रहने दो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना, मैं दर्द सहन कर लूंगी पर इसको छेड़ना मत आपने। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इमोशनली तो ऑफ कोर्स इट्स अ रोलर कोस्टर, बट एक्सपीरियंस वाइज भी इतना कुछ, वो वक्त अच्छा था जब इतना सह सकते थे, या ये वक्त अच्छा है जब सबकी अपनी 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 किस्मत से स्ट्रगल है। सो आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू देयर ओन स्ट्रगल। आई फील ग्रेटफुल कि मतलब जो कहानियाँ हम आपकी सुनते हैं ना, दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल्सो। मेरे मन में थी ये चीज़ कहीं ना कहीं, मैं सोचती थी यार जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मतलब इस चीज़ को मतलब किस तरह से और अच्छे के लिए किया जाए, किस तरह से वो किया जाए। तो जब मेरे को पता लगा कि ये तो मेरी अपनी बेटी ऐसा कर रही है, तो मतलब इससे बड़ा मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता कि भाई चलो जो मतलब मेरी सोच थी उस सोच को सकारात्मक रूप एक मतलब जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान इसमें आपकी हेल्प करे बहुत अच्छे से। मतलब लोग अरे आपने सहा इतना है, आपने इतनी चीज़ों से गुजरे हो, तो गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसको थोड़ा लाइटन अप करते हैं। तो मैं अपने शो में क्या करती हूँ ना, मैं सबके फर्स्ट रिएक्शंस पूछती हूँ। आपका पहला रिएक्शन जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, हाय तो आप प्रेग्नेंट हो गई? ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। मतलब पता क्या होता था उस टाइम ना, जैसे हम शादी करके जाते थे दूसरों के घरों में ना, तो हम उस फैमिली को अपना नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ आ गए हम दूसरे लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि जो हमारे पार्टनर होते मतलब वो जॉब करते थे, वो कहीं करते थे, वाइफ जो है घर में फैमिली के साथ रहती थी, तो उतनी अटैचमेंट नहीं होती थी। जब बेबी कंसीव किया तो ऐसे लगता था ठीक है कोई तो होगा अपना, कोई तो अपना होगा। मतलब ऐसा था कि मतलब एक अलग सी खुशी थी जिसको जाहिर नहीं कर पाते थे, पर ये लगता था कि चलो अब इस फैमिली में रहना है ना, तो हमारा कोई अपना होगा जिसके साथ हम रह सकेंगे। मतलब ऐसा मेरे टाइम व्हेन आई वाज बीइंग बॉर्न, तब तो कोई मतलब आपके पास तो उस समय मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, पर अभी जब मैंने आपको पहला सोनोग्राफी अपनी दिखाई तो आपका वो रिएक्शन क्या था? ऐसे लग रहा था देखो इतने मतलब छोटे छोटे पहले से ही ऐसे होता होगा अंदर, वाह ये तो बहुत छोटे छोटे कितने इतने छोटे छोटे वो शुरू से ही ऐसा होता बना हुआ। आपका पहला रिएक्शन जब आपको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो रिएक्शन तो ऐसा था ना कि ये पता नहीं लग रहा था कि जोर जोर से हंसू या रोऊ या क्या करूँ, पता ही नहीं लग रहा था कि वाह जिसके लिए इतने सालों से कान तरस रहे थे आज वो शब्द सुनने को मिल रहे, तो मतलब उस खुशी को नहीं जाहिर कर सकते। पहला रिएक्शन जब आपको खुद ऐसा रियलाइज हुआ कि अब मैं माँ से अब नानी माँ बनूंगी, तो ऐसा अभी तक सिंक इन हुआ है कि नानी नानी ऐसा कुछ नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी पता लग रहा जब सामने होंगे। ओके थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू गए हम, दैट वाज द होल कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। क्या मतलब अब फॉर्मेलिटी नहीं मैं कर सकती हूँ, आई कैन ओनली से आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और आपको भी ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो भी हो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो, सब स्ट्रेंथ वाले हो, डियर मॉम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ओके थैंक यू थैंक यू, चलो बाय बाय बाय।